देखिए, मतलब जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हो, एबीजीएल एक राजनीतिक दल जिसको मैं जानता हूँ, वो प्रताप खाती जी हैं और जहाँ तक मुझे पता है वो हमारे साथ हैं, और बाकी कुछ एबीजीएल, सो कॉल्ड एबीजीएल अपने आप को नेता समझ करके आज पहाड़ के अंदर में सांसद से राजीनामा मांगने का काम कर रहे हैं। ये उनका डेमोक्रेसी में अधिकार भी है, लेकिन मुझे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। इतना ज़रूर है कि जनता ने उनको जवाब दे दिया, उनकी औकात उनको बता दी गई है, और कम से कम ऐसे दो चार छिछोरे नेता जिनको नोटा जितना भी वोट नहीं मिला, एटलीस्ट मैं उनको कहना चाहूँगा इनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी औकात क्या है। हाल ही में अभी चुनाव संपन्न हुआ है और जनता ने उनको स्पष्ट जो है दिखा दिया है। रही बात सांसद या भारतीय जनता पार्टी, पहाड़ की जनता, तराई की जनता, डुअर्स की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इसका जो है साक्ष्य भी अभी चुनाव में मिला है। और मैं आपके माध्यम से, मैं उन नेता को तो जवाब नहीं दे रहा, लेकिन अपनी जनता को ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, जो वादे जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं या हमारे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, वो अवश्य पूरे होंगे, और हम लक्ष्य के काफ़ी समीप है। सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो मैं आज ही यहाँ से घोषणा करके निकलता, लेकिन समय आने पे सब चीज़ों की घोषणा भी होगी, और मेरे पास अभी भी 3 साल है, और मैं उनमें से छिछोरा नेता की तरह नहीं हूँ जो राजनीति में किसी की चापलूसी करना, पैसे के लिए राजनीति करना, और खुद कुछ नहीं करना और दूसरे को भी कुछ करने नहीं देना। एटलीस्ट मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं राजनीति में हूँ किसी विशेष कार्य की वजह से, क्योंकि जिस तरह से गोरखाओं के साथ देश में अन्याय हुआ है लगातार 72 साल से, अब यह अन्याय नहीं होगा, और देश को भी पता चलेगा कि वास्तव में खाटी गोरखा नेता इस बार सांसद बना है। इतना मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को बता देना चाहता हूँ।